एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़ा, जिसे हम दही भल्ला भी कहते हैं। अब फेस्टिव सीजन आ गया है तो कुछ फेस्टिवल टाइप डिश तो बननी ही चाहिए। साथ ही इन दही बड़ों को यूज करके बनाएंगे भल्ला पापड़ी चाट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस रेसिपी से दही बड़ा बनाना बहुत आसान है और दही बड़े बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप उड़द दाल, जिसे हम माश की दाल भी कहते हैं, और हाफ कप मूंग दाल। दोनों दालों को मैंने 7 से 8 घंटे पानी में भिगो लिया था। साथ ही लिया है कुछ अदरक के टुकड़े, एक हरी मिर्च और नमक। अब हम इन दालों को पीस लेंगे। तो पहले मैं यहाँ मूंग की दाल पीस रही हूँ और इसी में मैं अदरक हरी मिर्च ऐड करती जाऊंगी और फिर उड़द की दाल इसी में डाल के पीस लूंगी। इसे ग्राइंड करते वक्त हमें खास ख्याल रखना है कि हमें पानी ज्यादा ऐड नहीं करना है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप 1 या 2 टेबलस्पून पानी डाल के दही बड़े की दाल पीस लें। ये अच्छी पिस गई है तो अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1/2 टीस्पून नमक और अब हम इसे अच्छे से फेटेंगे। जैसे जैसे हम इसे फेटते जाएंगे ये लाइट होता जाएगा और हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। तो आप फेटने के लिए किसी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह के किसी विस्क का, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे ये काम सबसे आसान हो जाता है। आप बस 30-40 सेकेंड्स बीटर से बीट कर लें इसे। ये देखिए, ये एकदम लाइट और फ्लफी हो गई है। मैं आपको इसका एक टेस्ट बताती हूँ। आप एक ग्लास में पानी ले लें और थोड़ा सा बैटर उसमें इस तरह से डाल दें। बैटर अगर ऊपर फ्लोट कर रहा है मतलब हमारी दाल परफेक्ट है अब तलने के लिए। तलने से पहले एक प्रेपरेशन हम और कर लेते हैं। तो किसी बाउल में आप पानी ले लें और उसमें ऐड कर दें 1 टेबलस्पून के अराउंड नमक। इसे रखते हैं साइड में और अब हम वड़े फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैन में ऑयल लिया और उसे मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है और अब इस तरह से चम्मच की मदद से मैं दाल वाला बैटर डालूंगी इसमें। ये दाल थोड़ी स्टिकी होती है तो आप इस तरह से 2 चम्मच की मदद से डालेंगे तो वो इजिली चला जाएगा पैन में। तो ये मैंने सारे बड़े इसमें डाल दिए और अब मीडियम फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से तल लेंगे। जब ये एक तरफ से हो जाए तो इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। अब ये दोनों तरफ से अच्छे फ्राई हो गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अब ये जो फ्राइड बड़े हैं इन्हें हमें उस नमक के पानी में डालना है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बड़ों को पानी में डाल दिया है और हमें इस तरह से इसे पानी में 3 से 4 मिनट रखना है। आप बीच में इन्हें एक बार पलट भी दें ताकि दोनों तरफ से बड़े अच्छे से पानी में डिप हो जाए। इस तरह से बड़े एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम इन्हें दही में डालते हैं तो सारा दही अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और अब हम इन्हें इस तरह से स्क्वीज कर लेंगे। तो ये मैंने सारे बड़े तैयार कर लिए, तो चलिए इन्हें असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम दही तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 4 से 5 टेबलस्पून दही लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून शुगर। अब ये पर्सनल चॉइस है, मुझे दही बड़े की दही थोड़ी मीठी अच्छी लगती है इसलिए मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर दें। अब इसे फेंट लेते हैं और एकदम क्रीमी टेक्सचर कर लेते हैं। वैसे अगर आपको एक और चाट की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे दही पापड़ी चाट की रेसिपी जरूर ट्राई करें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ ऊपर आई कार्ड में दे दूंगी। अब दही में कुछ और फ्लेवर्स डालते हैं। तो मैंने यहाँ डाला 1 पिंच रॉक सॉल्ट, जिसे हम काला नमक भी कहते हैं, 1 पिंच रेड चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच भुना जीरा और 1 पिंच चाट मसाला। आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इसे भी अच्छे से मिला दिया। तो ये हमने सर्विंग प्लेट में पहले वड़े रखे और अब उनके ऊपर डाल रही हूँ दही। दही हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, जितना ज़्यादा दही डालेंगे उतने अच्छे से वो उसमें अब्सॉर्ब होगा। और अब इनके ऊपर डालूंगी इमली की चटनी। ये होममेड इमली की चटनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इमली की चटनी डाल लें। और अब बस इसे टॉप करते हैं। तो ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा और अब कुछ एक्स्ट्रा दही भी मैं इसी सर्विंग प्लेट में इस तरह से पोर कर दूंगी। आपको जैसे फ्लेवर्स पसंद है आप उस हिसाब से चाट मसाला, नमक, जीरा सब ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इमली की चटनी ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ पे और इमली की चटनी ऐड कर ली। ये हमारे दही बड़े तैयार हो गए। अच्छा, मैं आपको इसी दही बड़े से एक क्विक चाट भी बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक प्लेट लिया और उसमें ऐड किया एक बड़ा जो मैंने पानी से निकाल के रखा था और अब इसके ऊपर ऐड कर दूंगी दही। ये वो सेम दही है जो हमने दही बड़े के लिए यूज़ किया था।
इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी। लंच के लिए ऐड करेंगे पापड़ी, ये होममेड पापड़ी है, इसकी रेसिपी भी आप मेरी पापड़ी चाट की वीडियो में देख सकते हैं। ऊपर से ऐड करेंगे काला नमक, भुना जीरा और ये चिली फ्लेक्स, और ये मैंने थोड़ा सा और मीठी वाली दही डाल दी। और इसे चाट का लुक देने के लिए इस पे डालेंगे कोई भी आलू भुजिया या सेव, थोड़ा सा इमली की चटनी, और ये तैयार हमारी भल्ला पापड़ी चाट। बहुत ही इजी और सुपर्ब रेसिपी है दही बड़े के लिए। आप भी इस रेसिपी से दही बड़े जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।